हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाट इज एफसीआई, राइट एनी फोर फंक्शन ऑफ एफसीआई। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एफसीआई क्या है, इसके कोई चार फंक्शन बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा एफसीआई एंड इट्स फंक्शन। हम एफसीआई की बात करेंगे और इसके क्या क्या फंक्शन है वो जानेंगे। तो सबसे पहली बात, एफसीआई क्या है? एफसीआई रेफर्स टू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964। इसको इंडिया की गवर्नमेंट ने 1964 में सेटअप किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। द मेन फंक्शन ऑफ दिस कॉरपोरेशन इज FCI एंश्योर द प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी कि एक कंट्री में हर लोगों की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, स्टॉक रखती है फूड आइटम्स का। तो वो फूड ग्रेन्स का स्टॉक कितना, कैसे, कहाँ पे स्टोर करके रखना है, वो सब चीज़ें कौन देखता है? FCI देखता है। FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देखता है। इट परचेज द सरप्लस फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर। अब देखो, स्टॉक रखना है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जादू की छड़ी घुमाई और आपका अनाज का स्टॉक भर गया। नहीं, FCI क्या करता है, किसानों से पहले ही बातचीत कर लेता है उनकी फसलों के रिगार्डिंग कि भैया आप अपनी फसल जो भी उगाओगे हमसे ऐसे ऐसे दामों पे हमको बेच देना। तो किसानों का जो भी सरप्लस फूड ग्रेन्स होता है वो FCI उनसे उस सरप्लस फूड ग्रेन को खरीदता है और देन स्टॉक करता है उनका। इट इनेबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स ऑल ओवर द कंट्री थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब FCI ये भी देखता है कि जो भी फूड ग्रेन्स उसने स्टॉक करके रखे हैं वो सिर्फ स्टॉक करने के लिए तो है नहीं, रखे रखे सड़ जाएंगे तो उनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना जनता के बीच में। तो FCI ये भी देखता है कि सारा फूड ग्रेन जो है वो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसा ना हो कि कुछ स्टेट को ज्यादा मिल जाए और कुछ स्टेट को कम मिले। तो उस पर्टिकुलर स्टेट में रहने वाली पॉपुलेशन के बेस पे फूड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है? FCI करता है। नेक्स्ट है, इट रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी। इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इट रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स, इट्स मीन कि जो भी फूड ग्रेन्स हैं उनको कितने रुपए के हिसाब से बेचा जाएगा, उन प्राइसेस को रेगुलेट करता है। अब देखो मैं आपको बताऊं तो 2 रुपए किलो के हिसाब से आपका वीट मिलता है यानी कि गेहूं, और 3 रुपए किलो के हिसाब से आपका राइस मिलता है। एक बंदे को गेहूं कितना मिलता है? 4 किलो, और राइस मिलता है 5 किलो। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने नेट पे देखी थी, आप भी सर्च कर सकते हैं। हर स्टेट का अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है, रेगुलेट यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, प्राइसेस भी यूनिफॉर्म होते हैं और जितनी क्वांटिटी में फूड आइटम मिलेगा वो भी यूनिफॉर्म होता है, और अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है जो कि इतने अफोर्डेबल है आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो ईजिली सबको फूड आइटम मिल जाते हैं और FCI फिर ये देखता है कि सबकी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल हो और कोई भी फूड इनसिक्योरिटी को फेस ना करे। तो ये मेन फंक्शन होते हैं FCI के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।